तंदूरी मच्छी दिल के लिए अच्छी। पूरे अंदर से घुसे हुए हैं ये देखो भाई। और इसमें सिंगाड़ा नहीं, इसमें सुरमई, एग, एग पकौड़ा। हम मच्छी के साथ अंडा खा सकते हैं क्या? तो ये गाइस वेलकम बैक टू अदर वीडियो। एक और वीडियो के साथ आपके सामने पेश हो चुका है। आज भाई ऐसी जगह से खाना लेके आना, मतलब जो देहरादून में बहुत 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 ज्यादा फेमस है और बहुत पहले से। तो जगह का नाम है भाई तारा मच्छी वाला। तो मैं जैसे बताता हूँ मैंने वहां से क्या क्या लेके आया है। सामने की तरफ है मेरे पास तंदूरी मच्छी जो की सोल मच्छी है। पीछे की साइड है मेरे पास इनका बटर चिकन। और यहाँ सामने की तरफ है मेरे पास एग पकौड़ा। और उसी के जस्ट पीछे है मेरे पास फिश फ्राई। और उसके पीछे मेरे पास भाई इनका ढेर सारा सैलेड जिसमें इन्होंने नींबू और बहुत सारी चीजें ये मिक्स करके दिया हुआ है। और इस तरफ है मेरे पास घर में बने हुए बासमती राइस। और उसी के जस्ट पीछे है मेरे पास फिश करी। भाई जल्द से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। मैं इनकी शॉप का भी दिखा दूंगा वीडियो मैंने थोड़ा सा बनाया है, मतलब कहाँ पे है करके। भाई मैं जैसा वहां गया हुआ था ना मैं वैसे ही बैठ चुका हूँ क्योंकि मुझे पता है कि फिश खराब हो जाएगी। मैं तुम्हें और एक और स्लोगन था इनका, वो था तंदूरी मच्छी दिल के लिए अच्छी। भाई बहुत बढ़िया लगा मुझे। और जो भैया थे वहां पे, दो भैया थे, वो दोनों भाई थे भाई, बहुत ही बढ़िया थे वो दोनों जने। भाई ये देखो देखने में कितनी लाजवाब लग रही है भाई ये। और ये मैंने वहां भी टेस्ट करी थी, भैया ने बोला था कि यहाँ भी टेस्ट कर लो क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा अब जब घर ले जाओगे तब। ये देखो भाई, ये भाई इनकी तंदूरी मच्छी। भाई मेल्ट हो जा रही है मुंह में आकर। भाई देखो ये कैसे टूट रही है, ठीक है। भाई बेसिकली मुझे फिश नहीं पसंद, बट मैंने बहुत सुना था भाई, एक बार खाया था पहले जब बचपन में बहुत छोटा था मैं, तब खाया था मैंने वहां। तब उनकी दुकान स्कूल पढ़ता घंटे घर में उसके सामने थी ग्राउंड के बगल में। उसके बाद आज खा रहा हूँ और ये मुझे बहुत अच्छी लगी भाई। भाई इन पत्तों में दिया हुआ है सैलेड जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। और सैलेड में इनके बीटरूट है, प्याज है, गाजर, सारी चीजें भाई साहब। ये खुद ही टूट रही है भाई। पूरे अंदर से घुसे हुए ये चटनी भूल गया था मैं। ये ऐसी इतनी अच्छी हो रही खाने में। ये लगा ये बढ़िया सी चटनी।
जो मैं बता रहा था कि मुझे फिश पसंद नहीं है वैसे, बट अगर ऐसी फिश हो तो मैं भाई बढ़िया करके खा लूँ। चार पीस भैया ने मुझे वहाँ भी खिलाते थे। यह भाई फिश फ्राई, ये देखो अभी इसमें ना क्रंची वाला वो नहीं आ रहा, बट जब मैंने वहाँ खाया था देखो भाई तंदूरी फिश मुझे बड़ी 600 रुपए की, और ऐसे 100-200 रुपए का फिश फ्राई। तंदूरी फिश में सोल फिश यूज़ करी है उन्होंने, और इसमें सिंगाड़ा नहीं, इसमें सुरमई, ये सुरमई फिश है भाई। मैं 20 से 25 मिनट रहूँगा वहाँ, और भैया लोग ऐसे थे कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। बहुत बढ़िया नेचर था भाई भाई लोगों का। और ओवरऑल चीज़ें मुझे पड़ी थी 440-430 रुपये। आज फिशी फिश पे वीडियो था, वीडियो है। क्योंकि मैंने ज़्यादा फिश का टेस्ट थोड़ा भी खराब हो, बटर चिकन में इसलिए आया था, हाफ बटर चिकन लाया था वहाँ से। मैंने सोचा अगर मुझे फिश अच्छी नहीं लगी तो मैं बटर चिकन के साथ खा लूँगा। भाई देखो बाहर से कुरकुरी, अंदर से नरम, और पूरे बढ़िया करके मसाले अंदर घुसे हैं। आहा ये देखो, और ये सारी चीज़ें मतलब इसके साथ सैलड और इनकी चटनी, वैसे लग रहा है इसके बिना ये अधूरा, इसके बिना ये अधूरा टाइप। बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। भाई दर्द ना हो तो ये ट्राई करना बनता है। भाई मैंने इतने सालों से इनके वहाँ की मच्छी क्यों नहीं खाई, बल्कि इतने फेमस हैं ना। शाम को 8 में इतनी भीड़ मिलेगी जिसका कोई हिसाब नहीं। उसकी वजह जोमेटो स्विगी में बता रहे थे कि उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है, रश ज़्यादा हो जाता है जोमेटो स्विगी में, पेमेंट का कुछ इशू है, वरना जोमेटो में भी हैं। दो प्लेट मच्छी निपटा के, मैं नॉर्मली मैं मच्छी खाता ही नहीं, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तक नहीं खाई मैंने। ना मैं नॉर्मली मच्छी खाता, ना मैं इतना सलाद खाता, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी थी इसकी, मैं पे लिया। वहाँ मैंने ये वाली फिश भी ट्राई की थी, दो पीसेस के थे, मैं फोटो डाल दूंगा। उन्होंने बोला कि भैया एक बार गरम खा के देखो, मज़ा आएगा आपको। अभी भी गजब हो रही है, उस समय और ज़्यादा गजब होती भाई। ये है इनका एग, एग पकौड़ा, देख रहे हो भाई, इसमें इन्होंने अपने मसाले डाले हुए। ये देखो पास से दिखाऊंगा, ये गिर ना जाए। ये देखो मच्छी के साथ अंडा खा सकते हैं क्या? नेट पे देखता हूँ। क्या हम फिश के साथ एग को ले सकते हैं? गाइस इंटरनेट के ऊपर हमें ऐसे बहुत से आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो जेजिस बोलते हैं कि हम फिश और एग एक साथ नहीं ले सकते, बिकॉज़ अगर हम इन दोनों को एक साथ लेंगे तो हमें स्किन की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। लेकिन गाइस साइंस ने हमें अभी तक ऐसी कोई भी एडवाइस नहीं दी है कि हमें इन दोनों को एक। भाई देखो ये कह रहे हैं कि फिश के साथ, बहुत लोग बोलते हैं कि एग को नहीं लेते स्किन डिजीज़ हो जाती है। साइंस के बारे में बता रहे हो कि साइंस ने अभी तक हमें कोई एडवाइस नहीं दिया। भाई देखो मैंने एक पीस तो खा लिया, बट अब नहीं खाऊंगा भाई। लेकिन भाई बहुत बढ़िया हो रहे हैं भाई, बस मेरे को कुछ होना। दो एग लाया था मैं और दो वहीं खाए थे मेरे दोस्त ने, वो बता रहा था बहुत बढ़िया हो रहे हैं और ये बहुत अच्छे हो रहे हैं। भाई ये है इनकी फिश करी, ये भाई चावल,
मामा, ओ मामा यार मैं ना मच्छी खा रहा हूँ ना, मैं वहां से एग भी ले आया था, मुझे बढ़िया लग रहे थे लेकिन मैंने अभी देखा और मेरे को याद आया कि नहीं खाते, और भैया भी बोल रहे थे वहां पे, मैंने पूछा था उनसे, बोल रहे थे नहीं खाते, एग के लिए नहीं पूछा मैंने, दूध वूध वाली चीजों के लिए पूछा। ये भाई ऐसे देते हैं, बढ़िया ये ले लो यार, ये ले जा लो फिर ये वो हो जाएंगे ठंडे, और खोलो खोलो ये है, वहां से लाया हुआ मैं वो तारा मच्छी वाली, नहीं घंटाघर में वहां से। चीज़ें पहले मैं बटर चिकन ट्राई करना चाहता हूँ एक बार, क्योंकि मेरा बड़ा ही मन था और भैया भी बोल रहे थे मीठा नहीं होगा। मीठा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इतनी जगह बटर चिकन खाया बट इसका टेस्ट बहुत अलग है, बहुत अलग। ये भाई इनकी फिश करी, और ये भी मैंने वहां ट्राई करी थी भाई, भैया ने ये भी दी थी, बहुत बढ़िया और दी भाई गरम गरम मस्त एकदम। और मैं यही बोल रहा था भैया से, यही बोला मैंने, बातचीत हुई हमारी थोड़ी बहुत, तो मैंने यही बोला कि मैं फिश वैसे खाता नहीं हूँ बट अगर ऐसी फिश होती है तो मैं डेली खा लूंगा। मजेदार मसालेदार भाई, भाई साहब ये देखो मजा आ गया भाई। भाई इनके वहाँ की चटनी, इनके वहाँ का सैलड, इनके वहाँ की फिश, भाई मजा आ गया। डर बस एक ही है, कोई लोग ये ना बोले कि तमीज से खा भाई। मच्छी दिल के लिए अच्छी, मैं तुम्हें बताऊँ मैंने भैया को बोला था भैया ग्रेवी थोड़ी ज्यादा कर देना प्लीज, तुम सिर्फ इतनी ग्रेवी के साथ बढ़िया खा सकते हो, बढ़िया, एक्स्ट्रा ग्रेवी की जरूरत ही नहीं है। मैंने मीडियम स्पाइसी बोलता हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि स्पाइसी कैसा खाओगे, मैंने बोलता मीडियम स्पाइसी, अगर मीडियम स्पाइसी तब एंकर है। नहीं से मैंने बना दिया शायद, चटनी भी तो डाल दी मैंने, सॉरी मैंने चटनी डाल दी, ये सलाद डाल दिया पूरा, मच्छी भात खा रहे हैं आज हम, मच्छी भात। लेकिन भाई मजाक से हटके बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया लगी मुझे, मुझे फिश बिल्कुल भी नहीं पसंद भाई, इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने नहीं खाई फिश ज्यादा, एक दो बार खाई है। बट मैं ये जरूर बोल सकता हूँ अगर मैं फिश ये वाली पहले खाता, मैं फिश ही खाता भाई, हाफ क्वांटिटी में इतने ज्यादा पीस, ये भी तीन चार पीस बचे हैं, और चार पांच पीस फैसल पहले थे, चार पांच ही हैं भाई, ये हाथ लगाते साथ बिल्कुल मलाई की तरह हो जा रहा है भाई पीस, मतलब अगर मैंने ये देखो अगर मैं इसमें मिला दूँ तो मैं पता भी नहीं चलेगा कि इसमें पीस है, तभी तो ये इतने फेमस है भाई। मजा आ गया, मैं मच्छी नहीं खाता, मैं बीटरूट नहीं खाता, मैं इतना सैलड नहीं खाता, और आज मुझे सब खाने मजा आ रहा है, सब चीज़। जब मैंने इनका सैलड खोला था तो मैंने सोचा इतनी ज़्यादा सैलड दिया इन्होंने, मुझे क्या पता कि उन्हें पता है कि आदमी क्या खाएगा, भाई मज़ा आ गया। एक कमेंट था इसी लगा, और शायद ही वीडियो देख के बोलेंगे कि एक वीडियो में ठीक किया फिर गंदा कर दिया, बट भाई मेरे घर में ना काम चल रहा है तो मेरे पास सिर्फ 45 मिनट्स होते हैं, मैक्सिमम एक घंटा, प्लेटिंग करने का खाने का, तो मेरे को जल्दी जल्दी खाना पड़ रहा है, इसलिए सॉरी। ये देखो भाई मैंने इससे पहले फिश बहुत कम खाई है, और जो भी खाई है ऐसी नहीं खाई, अगर ऐसी खाई होती ना पहले तो मैं चिकन कम, और फिश ज्यादा खाता। ओ भाई मिर्च इसमें नहीं हो रही है, फिश करी में मेरे को इनका सैलड इतना अच्छा लगा, मैंने वो सैलड इसमें डाल दिया, सैलड में मिर्च के पीसेस भी ना, हरी मिर्च के, मेरे को नहीं पता भाई इसके बाद कैसा होगा ये, बट नींबू डालने का मन कर रहा है मेरा।
पहले थोड़ा ही निचोड़ता हूँ, ये बीच गिर गया भाई। जब से मैंने जोलोची वाली वीडियो की है ना, मुझे मिर्च से डर लगता है। भाई अब से आजकल तो मैं डाइट पे हूँ, जब भी मच्छी खाने का मेरा मन होगा तो मैं भाई नहीं जाऊँगा। मेरे को कोई पेड प्रमोशन नहीं है, उन्हें प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं है भाई। कोई जरूरत नहीं प्रमोशन की, बट मैं बता रहा हूँ भाई, मेरा फिश खाने का मन करेगा तो मैं यहीं जाऊँगा। भाई देखो हरी मिर्च, ये मेरी बेवकूफ़ी है। और 5 मिनट बचे हैं मेरे पास, फिर यहाँ तुड़ाई शुरू हो जाएगी। ऐसी फिश मैंने आज तक नहीं खाई, आज तक। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इस वीडियो में, ये बड़े सच है भाई, मज़ा आ गया भाई इसमें, मज़ा। तुम समझ रहे हो, बट अगर मेरी मानो भाई वहीं जाके खाना गर्मा गर्म मज़ा आ जाएगा। मैं फोटो डाल दूंगा, मैंने फोटो खींची थी, वहाँ की लोकेशन की वीडियो भी डाल दूंगा या फिर डाल चुका होऊंगा अभी तक भाई। गर्मा गर्म में तो तुम 2 प्लेट चबा जाओगे, मैं पता भी नहीं चलेगा, ऐसी हो रही थी भाई। इनके सैलेड का वो था जो पूरा भरा हुआ था, सैलेड पे लिए थोड़ी सी फिश बची है, अब वीडियो करना है एंड, तो क्यों ना हम कोक में ये डाल दें। भाई हाफ बहुत ज़्यादा होगा, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं हाफ क्वांटिटी लाया था। इसमें इतने पीस थे, सिर्फ 1, 2, 3 पीस बचे हैं, और बहुत सारे पीस में खा गया, मलाई जैसे पीस हैं, मतलब मुंह में डालते ही मेल्ट। तंदूरी एक तरफा एक नंबर, 600 रुपए की है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट अगर वो 600 रुपए ले रहे हैं ना उसके, मेरे हिसाब से बढ़िया है भाई। इतनी बेहतरीन हो रही है ना, इतनी बेहतरीन, मेल्ट हो जा रही है मुंह में। पकोड़े भाई गरम गरम वहां खाना मजा आ जाएगा, बल्कि हर चीज वहां गरम गरम खाना मजा आ जाएगा तुम लोगों को। और वो जो एग थे वो मैंने इसलिए नहीं खाए क्योंकि मेरे को याद आ गया था कि भाई भैया ने ही बोला था कि हाँ नहीं खाते, मेरे को वहां पे बहुत अच्छे लग रहे थे वो, बहुत अच्छा था टेस्ट। 2 पीस मैंने घर के लेकर आए थे और 2 पीस मेरे दोस्त ने वहाँ खाए थे, उसके लिए भी भाई थम्स अप है, बहुत बढ़िया भाई, 10/10 है ये सब चीज़ों में। बटर चिकन में मतलब 10 में से 8, बट बहुत अच्छा हो रहा है ये, बहुत यूनिक टेस्ट है बटर चिकन, मतलब मीठा होता है ना, ये मीठा नहीं हो रहा है भाई, हाथ गंदे हो रहे हैं। तो करते हैं एंड कर दें वीडियो को, तो यहीं तक रखते हैं भाई इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं आपको दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और हाँ, देहरादून आ रहे हो तो भाई मेरी तरफ से तो तारा मच्छी वाला भाई 10/10 जरूर ट्राई करना, और ऐसी वीडियोज़ आगे भी आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।